कंसल्टिंग रूम में कोई यंग लड़की आती है और कहना शुरू कर देती है कि मैम प्लीज़ मुझे चेक कीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा वेट गेन बहुत हो रहा है, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहा है, अगर कोई मैं पिल्स नहीं लेती हूँ तो पीरियड्स आता ही नहीं है, और अगर आता है तो 15 to 20 days कंटिन्यू आता है, मेरे हेयर फॉलिंग हो रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है। जब उनकी नाड़ी परीक्षण करती हूँ, उनकी प्रकृति परीक्षण करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि एक छोटी सी सोनोग्राफी करवा के हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या है, और जब मैं उनको बताती हूँ कि आपको PCOD है, तब उनको मालूम होता है कि उनको PCOD हुआ है। कई बार जो कंसीव करने के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो लेडी को मालूम होता है कि उनको PCOD है और वो कंसल्टिंग रूम में आके बताते हैं कि मैम सालों से इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, हमें PCOD है, तो प्लीज़ आप उसका सॉल्यूशन बताइए। जी, मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेद एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। मैं आज की वीडियो में PCOD और PCOS क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है और उसके क्या क्या कारण है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये पूरी सीरीज बनाई है जो वहाँ पे हम वन बाय वन सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि PCOD क्या है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसके क्या क्या चिन्ह है यानी साइन एंड सिम्टम्स है, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि बहुत बार सब लोगों को डर लगता है कि मुझे PCOD हो गया है, अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उसका सब कुछ सोल्यूशन बताया हुआ है, बहुत सारी मेडिसिन है जो वहाँ पे इफेक्टिव है, तो वो हम सब कुछ हमारी ये सीरीज में समझने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइएगा। चलिए हम समझने की कोशिश करते कि PCOD क्या है और PCOS क्या है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि उसमें डिफरेंस क्या है। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उन दोनों में माइनर सा ही डिफरेंस है। PCOD में क्या होता है, पॉली यानी बहुत सारे, सिस्टिक यानी सिस्ट हो जाती है, ओवेरियन यानी ओवरी में, डिजीज यानी रोग यानी वो डिजीज में ओवरी में यानी अंडाशय में बहुत सारी पानी भरी हुई सिस्ट हो जाती है। सिंड्रोम भी सेम ही है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन इकट्ठा हो जाती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है यानी मेल पैटर्न हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो ये सब कंडीशन वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन करना स्टार्ट कर देती है। यानी PCOD या PCOS सेम ही है। PCOD में होता क्या है, तो पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस से हमारे बॉडी में, यूट्रस में और ओवरी में जनरली 8 to 10 फॉलिकल बनते हैं। उसमें से एक फॉलिकल बड़ा होता है और फिर वो अगर फीमेल की 28 to 30 days की साइकिल होती है ना, तो वहाँ पर 12 to 14 days पे वो फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से ओवम यानी स्त्रीबीज बाहर निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप रखते हैं तो शुक्राणु अंदर एंटर हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर देता है और फिर वो एम्ब्रियो धीरे से वहाँ से विद इन 2 days मूव होना स्टार्ट कर देता है। विद इन 10 days वो यूट्रस में आ जाता है और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कंसीव हो जाता है। अब PCOD में क्या होता है, PCOD में जो यहाँ पे फॉलिकल बन रहे हैं वो इमैच्योर होते हैं क्योंकि वहाँ पे LH का लेवल बढ़ जाता है। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल बढ़ जाता है एंड FHS यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। यानी जो फॉलिकल बना रहा है उसका लेवल बहुत बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे फॉलिकल बन जाते हैं और FHS कम है तो उसकी वजह से वो मैच्योर नहीं हो पाते और वहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल में पानी भर जाता है और छोटे 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 पानी भरी हुई सिस्ट बन जाती है। जैसे आप अगर कोई सोनोग्राफी देखते हैं ना, तो वहाँ पे पूरी मोतियों की माला बन जाती है ना, ऐसी
फिगर देखने को मिलती है। तो ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब उसके कॉजेस क्या है, बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन पहले तो एक चीज आप क्लियरली समझ लीजिए कि ड्यू टू लाइफस्टाइल होने वाला है, लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। जनरली यंग गर्ल्स में बहुत देखने को मिल रहा है, 10 में से एक लेडी को पीसीओडी है ही। मेरी कंसल्टिंग रूम में बहुत सारे ऐसे आते हैं, मैं 3 दिन में 15 से 20 गर्ल और लेडी को कहती हूँ कि आपको पीसीओडी है, लाइफस्टाइल रॉन्ग जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, देर रात तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो देर रात तक जगते हैं, सुबह में देर उठते हैं, रॉन्ग लाइफस्टाइल जा रही है। सेकंड, डाइट रॉन्ग जा रहा है, जंक फूड, प्रोसेस फूड, पैक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। स्ट्रेस की वजह से होता है, व्हाट्सएप पे देखा मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया। सेकंड, हेरिडिटरी। कई बार ऐसा होता है कि अगर मदर को है तो होता है, मासी को है, आंटी को है, कजिन को है, तो उसकी वजह से वो हेरिडिटरी ट्रांसफर होता है। थर्ड वन, एनवायरनमेंट फैक्टर भी वहाँ पे काम करता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, यानी वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल रॉन्ग जाती है, अगर आपका वेट गेन हो रहा है, आपके पीरियड्स बहुत डिले हो रहे हैं, तो इस ये सब चीज़ें हो रही है, फिर भी अगर आप अटेंशन नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपको सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे। अनइवन ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स और से और डिले हो जाते हैं, हेयर फॉलिंग हो जाता है, बाल निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप अवेयर हो जाते हैं और एफर्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, आप वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका डाइट चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। फोर्थ वन, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। 3-4 प्रकार के हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है। पहला जो मैंने आपको आगे बताया वैसा, LH और FHS में इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। सेकेंड, पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। एंड थर्ड वन, एंड्रोजन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो ये हुए उसके कॉजेस, कारण। अब आयुर्वेद क्या मानता है, एज अ आयुर्वेदा एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कफ दोष बढ़ जाता है और वो पित्त और वायु को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से होता है। अब कफ का काम क्या है, वो कोई भी टिश्यू सेल को नरिश करता है, तो उसकी वजह से सिस्ट बन जाती है क्योंकि उसका लेवल बढ़ जाता है। पित्त का काम क्या है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, यानी हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, तो कफ बढ़ा हुआ है वो पित्त को स्टक कर देता है, यानी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंड वायु का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, मोबिलिटी का, तो वो क्या करता है, ओवरी में से ओवम को यूट्रस में ले जाता है, लेकिन उसको भी कफ को स्टक कर देता है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे जाता ही नहीं। यानी सिंपल से आपको यही चीज़ समझनी है, कफ का एग्रीवेशन होता है और वो पित्त और वायु को ब्लॉक कर देता है, स्टक कर देता है, उसकी वजह से होता है। तो ये हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन कि PCOD क्या है और उसके कारण क्या है। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।